Hello and welcome to Java Tea Point. And today the topic of discussion is insertion sort. तो आज का हमारा topic of discussion है insertion sort. ये एक बहुत ही खूबसूरत algorithm है sorting की और इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको वादा करता हूँ आने वाले 10 से 12 मिनट के अंदर आपको master बना दूंगा इस algorithm का और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि algorithm कहना क्या चाहती है. तो चलिए आगे चलते हैं algorithm को देखते हैं. ओके, इंसर्शन सॉर्ट क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है. कहती है कि इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स सिमिलर टू वे यू सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स इन योर हैंड. एल्गोरिदम जो है ये बहुत सिंपल सी है और ये एकदम बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे ताश के पत्ते काम करते हैं. ताश तो आपने जरूर खेली होगी, अगर नहीं भी खेली तो दिवाली के समय में आपने जरूर खेली होगी. ताश में करते क्या है कि जैसे जैसे पत्ते आपके सामने आते जाते हैं आप उनको अरेंज करते जाते हैं ना. आपने डेक में से पत्ता उठाया, सपोज करो आपके हाथ में एक है, अब पत्ता आया दो, तो एक कहां दो कहां जाए, एक के आगे जाएगा. अब पत्ता आया पांच, तो पांच कहां जाएगा, दो के आगे. ठीक है, अब आया तीन, तो वो तीन कहां जाएगा, दो और पांच के बीच में. तो अब आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, पांच को शिफ्ट करोगे और दो को तीन को बीच में डालोगे. तो इस तरीके से काम होता है. द एरे इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट. बिल्कुल ठीक बात है. तो जो आपके हाथ में है वो सॉर्टेड और जो अभी हाथ में नहीं है वो अनसॉर्टेड. बिल्कुल सही है. वैल्यूज फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड. वही वाली बात है, जो अनसॉर्टेड है अभी वो उसमें से हम उठाते रहते हैं ताश के पत्ते को एंड प्लेस्ड एट करेक्ट पोजिशन और अपने हाथ में उसको सही पोजिशन पे डालते रहते हैं इन द सॉर्टेड पार्ट. तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको समझ में आ जाएगा. देखो आप कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि दो चार पांच और दस उसके पास ऑलरेडी थे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे. अब उसके पास आया सात, तो सात को क्या कर रहा है, पांच और दस के बीच में उसने स्पेस क्रिएट किया और सात को अब उसके बीच में इंसर्ट कर रहा है. इंसर्ट कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या हुआ, इंसर्शन सॉर्ट. आगे बढ़ते हैं. चलो अब हम एक एनिमेशन देखते हैं, स्टेप्स इन इंसर्शन सॉर्ट. सबसे पहले क्या हुआ, सिक्स को सिलेक्ट किया क्योंकि सिक्स अकेला है वो सॉर्टेड होगा. फाइव को सिलेक्ट किया, फाइव सिक्स से कंपेयर किया हमेशा पहले वाले से और सिक्स अब शिफ्ट हो गया, फाइव आगे आ गया. अब क्या होगा, थ्री सिलेक्ट हुआ, थ्री किससे कंपेयर होगा, सिक्स से भी होगा शिफ्ट हो गया, फाइव से भी होगा शिफ्ट हो गया, थ्री सबसे आगे आ गया. अब क्या होगा, वन सेलेक्ट होगा, वन सेलेक्ट हो गया, वन कंपेयर होगा सिक्स से शिफ्ट हो गया, फाइव से शिफ्ट हो गया, थ्री से शिफ्ट हो गया और वन सबसे आगे आ गया. अब क्या होगा, एट सेलेक्ट होगा, एट एकदम अपनी एक्चुअल पोजीशन में है तो कुछ नहीं होगा. सेवन सेलेक्ट हुआ, सेवन कंपेयर होगा एट से, एट शिफ्ट हो गया सिक्स से, जरूरत नहीं है तो छह और आठ के बीच में सात आ गया. अब दो सेलेक्ट हुआ, दो किससे कंपेयर होगा, आठ से शिफ्ट हो गया, सात से शिफ्ट हो गया, छह से शिफ्ट हो गया, पांच से शिफ्टिंग हो गई, तीन से शिफ्टिंग होगी लेकिन वन शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वन छोटा है. अब फोर सेलेक्ट हुआ, फोर किससे कंपेयर होगा, एट से शिफ्ट हो गया, सेवन से शिफ्ट हो गया, सिक्स से शिफ्ट हो गया, फाइव से भी शिफ्ट हो गया लेकिन थ्री से छोटा है, थ्री से छोटा है इसलिए वो बीच में आ गया. तो ये पूरे स्टेप्स थे. आगे बढ़ते हैं, अब इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिदम को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे और मैं आपको वादा करता हूं आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको जीनियस बना दूंगा इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो तो सबसे पहले क्या है, इंसर्शन सॉर्ट एक एल्गोरिदम है और उसके अंदर कोई एक एरे एज अ पैरामीटर पास हो रहा है. बिल्कुल ठीक है, कुछ हमने वेरिएबल बनाया जे आई और आइटम, हमने एक लूप बनाया जो दो से चल रहा है और लेंथ ऑफ ए तक. दो से क्यों चल रहा है, क्योंकि अगर हम मान रहे हैं कि मेरा एक एरे वन से स्टार्ट हो रहा है तो जो पहला एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको सॉर्ट करके करेंगे क्या, इसलिए हम लोग सॉर्टिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, दो से. ओके, अब हमने कुछ काम किया है वो हम बाद में देखेंगे ताकि हम उसको समझ सके. चलो आगे देखते हैं. तो चलो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एरे ले लिया कुछ और उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट है 11, 8, 6, 1, 9, 2. चलो एरे के अंदर डालने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले एरे का इंडेक्स बना लेते हैं. तो ये है इंडेक्स वन, ये है इंडेक्स टू, ये है इंडेक्स थ्री, ये इंडेक्स फोर, ये फाइव और ये सिक्स. ओके, तो वन में क्या पढ़ा है, इलेवन, देन एट, देन सिक्स, देन वन, देन नाइन, देन टू. ओके, अच्छा अब क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप से. फॉर आई इज इक्वल टू टू, तो भैया आई की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई. आइटम में डाला ए आई, आई की वैल्यू कितनी है, टू, तो ए टू, ए टू में कितना, आठ, तो आइटम में कितना आ गया, आठ. तो आइटम में, आइटम नाम का जो वेरिएबल बनाया मैंने, आइटम इसमें कितना आ गया, आठ आ गया. ओके, जे में डाला आई माइनस वन, आई कितना था, दो, तो जे कितना हो गया, वन, तो जे हो गया वन, आ गया. अब नीचे एक लूप चल रहा है और इस लूप के कितने पार्ट हैं, इस लूप के बॉडी के अंदर दो वैल्यूज हैं, क्या क्या एक जीरो से बड़ा, हाँ जी कंडीशन ट्रू. आइटम, आइटम में क्या है, आठ, क्या आठ, जे की वैल्यू कितनी है, वन, क्या आइटम ए वन से छोटा है,
ऑब्वियस यार, ए वन में तो 11 है और आइटम में 8, हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो क्या ये दो स्टेप एग्जीक्यूट करो, ए जे प्लस वन दैट इज ए वन प्लस वन, ए वन ए टू में क्या डाल दो, ए वन। तो जब हम ए टू में ए वन डालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो यहां पे 11 आ जाएगा ओके। और जे में हो जाएगा जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू वन से कितनी हो जाएगी, जीरो। अभी लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्या जे जीरो से बड़ा है, नहीं जे तो जीरो हो गया, जीरो से बड़ा नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। लूप से बाहर, लूप से बाहर आए तो कौन सी स्टेटमेंट मिली, ये वाली ए जे प्लस वन, जे की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ए जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। ए वन में क्या डाल दो, आइटम, आइटम में तो क्या एट, तो ए वन में जब हम आइटम डालेंगे तो यहां पर कितना आ गया एट, क्लियर हो गया। तो आपने देखा जिसको हमने उठाया था एट को, उसको हमने सॉर्ट कर दिया ओके। तो चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये सीधे ऊपर जाएगा क्योंकि इसका कंडीशन, तो अभी लूप तो खत्म नहीं हुआ ऊपर वाला, ये मैं यही से ले जा रहा हूं, ये ऊपर जाएगा और i की वैल्यू दो से फिर कितनी हो जाएगी, तीन। तो i की वैल्यू दो से कितनी हो गई, तीन ओके। और आइटम, अब मैं एक एरे और बना ले रहा हूं, यहां कॉपी कर दे रहा हूं, 8 11 6 1 9 2। अब क्या हुआ, आइटम में डाला a3, a3 में क्या है 6, तो हमने a3 को सेलेक्ट कर लिया और आइटम में डाल दिया, तो आइटम में क्या आ गया 6 आ गया। अब आइटम की वैल्यू 6 हो गई। j में डाला i माइनस 1, I is what 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अब नीचे है भाई J, J 0 से बड़ा, हाँ भाई 2 0 से बड़ा, कंडीशन ट्रू। आइटम, आइटम में अब क्या है 6, 6 जो है वो A2 से छोटा है, A2 में क्या 11, हाँ भाई A2 में 11 से छोटा है, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। तो जब दोनों ट्रू हो गए तो नीचे एग्जीक्यूट करेगा A J प्लस 1, A2 प्लस 1 में क्या डालेगा A2, तो A3 में A2 डालेंगे, तो जब हम A3 में A2 डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 11 हो जाएगा। और j में डालेंगे j माइनस वन, तो j की वैल्यू दो से कितनी होगी, वन। फिर ऊपर जाएंगे, अभी इंटरनल लूप से बाहर तो निकलेंगे नहीं, वन जीरो से बड़ा, हाँ बड़ा है। क्या आइटम, आइटम में तो छह पड़ा, क्या छह ए वन से भी छोटा है, क्योंकि j की वैल्यू वन हो गई ना, क्या a, हाँ भाई ए वन से भी छोटा है। तो फिर जाओ नीचे ए जे प्लस वन, ए टू में क्या डालो, ए वन। तो जब हम ए टू में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ए टू में ए वन डालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा ओके। और जे में डालेंगे जे माइनस वन, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ओके। फिर ऊपर जाएंगे चेक करेंगे क्या जीरो जीरो से बड़ा है, नहीं J जीरो से बड़ा अब नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। लूप से बाहर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी A J प्लस वन, J की वैल्यू कितनी, जीरो। जीरो प्लस वन कितना, वन। A वन में क्या डाल देंगे, आइटम, आइटम में कितना पड़ा, सिक्स। तो A वन में क्या डाल देंगे, सिक्स। तो कितना हो गया देखो आपने, अब तीन एलिमेंट स्टार्टिंग के सॉर्ट हो गए, छह आठ ग्यारह, क्लियर ओके। तो अब मैं एक एरे और बनाता हूं, एरे बनाने से पहले मैं ऊपर जाता हूं, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार, क्लियर। और आई कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितनी, सिक्स। तो ये सिक्स तक जाएगा, लेंथ ऑफ ए कितनी है, ये मैं इसको लिख ले रहा हूं, लेंथ ऑफ ए कितनी है, लेंथ ऑफ ए कितनी है, सिक्स। ये तो सिक्स तक जाएगा, अभी तो चार तक पहुंचे। चलो उसके बाद क्या करें, आइटम, अब पहले मैं एरे बना लू, छ आठ ग्यारह एक नौ और दो। चलो अब क्या करेंगे, आइटम में डालेंगे ए आई, आई की वैल्यू कितनी, फोर, ए फोर, ए फोर में क्या है, वन। तो अब आइटम में क्या आएगा, वन। तो आइटम में अब नई वैल्यू कितनी होगी, वन। जे में डाले आई माइनस वन, आई की वैल्यू फोर, फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री। तो यहां पे कितना हो गया, थ्री ओके। ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब चेक करेगा क्या जे जीरो से बड़ा, हाँ भाई थ्री जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू। क्या आइटम, आइटम में कितना है, वन। क्या वन A3 से छोटा है, हाँ भैया वन तो छोटा ही, 11 से छोटा है, A3 में क्या 11 छोटा है, तो छोटा है तो क्या करो, AJ plus 1, J की वैल्यू कितनी, 3, A4 में डालो A3, तो जब हम A4 में A3 डालेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ओके। और J में डालेंगे J minus 1, तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 2 ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, 2 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। क्या आइटम, आइटम में तो 1 पड़ा हुआ है, क्या 1 A2 से छोटा है, A2 में कितना है, A2 में देखो, A2 में कितना है, ये A2 है, ये देखो ये A2 है, A2, क्या 1 A2 से भी छोटा है, हाँ भाई A2 में तो 8 पड़ा है, छोटा है, छोटा है। तो फिर जाओ नीचे AJ plus 1, J की वैल्यू कितनी, 2, A2 plus 1 that is A3 में A2 डालो, तो जब हम A3 में A2 डालेंगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 8 ठीक है, यहां पे आ जाएगा 8। और J में डालेंगे J minus 1, तो J की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्या 1 0 से बड़ा, हाँ जी बड़ा है 1 0 से। क्या आइटम, आइटम में कितना, अभी भी 1। क्या 1 ए वन से भी छोटा है, ए वन में कितना है, देखो ए वन में अब 6 है, ए वन से भी, हाँ ए वन से भी छोटा है। तो क्या करो, ये लूप से ये लाइन एग्जीक्यूट करो, ए जे प्लस वन, जे की वैल्यू कितनी, वन, ए वन प्लस वन, ए टू में डालो ए वन, तो जब हम ए टू में ए वन डालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा।
और जे कर देंगे जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू कितनी होगी जीरो। फिर ऊपर जाएंगे चेक करेंगे क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है, नहीं जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ए जीरो प्लस वन, ए जीरो प्लस वन कितना हो गया वन, ए वन में क्या डाल दो आइटम, तो ए वन में जब हम आइटम डालेंगे आइटम में कितना है वन, तो देखो यहां पे क्या आ गया वन। तो देखा आपने अब एलिमेंट क्या हो गया शॉर्ट हो गया, वन सिक्स एट इलेवन, मतलब चार एलिमेंट शॉर्ट हो गए। ठीक है, फिर क्या करेगा ये ऊपर जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू चार से कितनी हो गई जी पांच, क्लियर। अब मैं एक बारी और कॉपी कर लूं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, वन सिक्स एट इलेवन नाइन और टू। अब मैंने क्या किया आइटम में डाला ए पांच, ए पांच में कितना है नौ, ये इसको अभी हमने सेलेक्ट किया और आइटम में डाल दिया, तो आइटम में कितना आ गया नौ आ गया। जे में डाला आई माइनस वन, पांच माइनस एक कितना हो गया चार, तो ये हो गया भैया चार। ठीक है चलो अब नीचे आओ, क्या चार जीरो से बड़ा, हाँ भाई चार जीरो से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। क्या आइटम, आइटम में तो कितना पड़ा है नौ, आइटम में पड़ा है नौ, क्या नौ ए चार से छोटा है, ए चार में कितना गया हाँ, ए चार में गया हाँ छोटा है, छोटा है तो क्या करो ए चार प्लस एक, ए पांच में डालो ए चार, तो जब हम ए पांच में ए चार डालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा। ओके और जे को कर देंगे जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई तीन। फिर ऊपर जाएंगे चेक करेंगे तीन जीरो से बड़ा, हाँ तीन जीरो से बड़ा। अब इधर आओ आइटम, आइटम में तो नौ पड़ा है, आइटम में तो नौ फिक्स है, क्या आइटम नाइन ए थ्री से भी छोटा है, ए थ्री में आओ, ए थ्री में क्या आठ, ना नाइन आठ से छोटा नहीं है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, लूप से बाहर। अब लूप से बाहर है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली ए जे प्लस वन, जे की फाइनल वैल्यू कितनी थी थ्री, ए थ्री प्लस वन, ए फोर में डाल दो आइटम, तो जब हम ए फोर में, ये है ए फोर, ए फोर में आइटम डालेंगे, आइटम में कितना है नाइन, तो यहां पर कितना आ जाएगा नाइन। और आप देखो कितनी शानदार तरीके से वन सिक्स एट नाइन इलेवन, पांच नंबर शॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है फिर ये ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को कितना करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी छह जो फाइनल वैल्यू है, इसके बाद तो चलना ही नहीं है, तो छह हो गया आइट। अब हम मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं, तो वन सिक्स एट नाइन इलेवन और टू। अब ए सिक्स को हमने कॉपी कर लिया क्योंकि आइटम में डाला ए सिक्स, ए सिक्स में कितना है टू, तो यहां पर टू आ गया। जे में डाला आई माइनस वन, दैट इज कितना हो गया फाइव, यहां पर फाइव आ गया। जे जीरो से बड़ा, हाँ जी जो जे छे छे जो है सॉरी पांच, जे फाइव जीरो से बड़ा बड़ा है। आइटम, आइटम में कितना टू, क्या आइटम दैट इज टू, जे की वैल्यू कितनी फाइव, ए फाइव से छोटा है, ए फाइव कितना है हाँ भाई ए फाइव से छोटा है, छोटा है तो क्या करो ए फाइव प्लस वन, ए सिक्स में डाल दो ए फाइव, तो जब हम ए सिक्स में ए फाइव डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इलेवन। और जे को करेंगे जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर। फिर ऊपर जाएगा फोर जीरो से बड़ा, हाँ बड़ा है। आइटम, आइटम में कितना है टू, क्या ए टू ए फोर से भी छोटा है, ए फोर में क्या है ए फोर में हाँ हाँ, क्या आइटम दैट इज क्या टू ए फोर से भी छोटा, हाँ भाई टू जो है वो ए फोर में तो नाइन है छोटा है, तो क्या करो ए जे प्लस वन, जे की वैल्यू कितनी होगी फोर, ए प्लो ए फाइव में डाल दो ए फोर, तो जब हम ए फाइव में ए फोर डालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा नाइन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है इसको भी मिटा दे रहा हूं। जे में डालो जे माइनस वन, जे की वैल्यू चार से कितनी हो गई तीन। फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा क्या तीन जीरो से बड़ा, हाँ तीन जीरो से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। आइटम, आइटम क्या है टू, क्या टू ए थ्री से भी छोटा है, ए थ्री में क्या आठ, हाँ टू जो है ए थ्री से भी छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू। फिर नीचे जाओ जे की वैल्यू कितनी थ्री, ए थ्री प्लस वन, मतलब ए फोर में डालो ए थ्री, ए फोर में डालो ए थ्री, तो जब हम ए फोर पे ए थ्री डालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा एट आ जाएगा, क्लियर। और जे में कर देंगे जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू भैया कितनी हो गई टू। फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा क्या टू जीरो से बड़ा, हाँ बड़ा है, क्या आइटम दैट इज टू, क्या टू जो है वो ए टू से भी छोटा है, ए टू में कितना है सिक्स, हाँ भैया ए टू में कितना है छोटा, इससे भी छोटा है, तो फिर जाओ ए जे प्लस वन, जे की वैल्यू कितनी टू, ए थ्री में क्या डाल दो ए टू, तो जब हम ए थ्री में ए टू डालेंगे, ए थ्री में ए टू डालेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। ठीक है और जे को करेंगे जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू होगी वन। फिर ऊपर जाएगा चेक करेंगे क्या वन जीरो से बड़ा, हाँ भाई वन जीरो से बड़ा है। आइटम, आइटम में तो अभी भी टू पड़ा है, क्या आइटम ए वन से भी छोटा है, ए वन में ना ए वन में क्यों, तो क्या है वन नहीं, टू जो है वन से छोटा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, लूप से बाहर। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ए जे प्लस वन, जे की वैल्यू कितनी थी वन, ए वन प्लस वन कितना हो गया ए टू में क्या डाल दो आइटम, आइटम में कितना है टू, तो यहां पर ए टू में क्या आ गया टू। तो ऑलरेडी अब मैं इसको लिख दे रहा हूं वन टू सिक्स एट नाइन
11. तो देखा आपने, नंबर हो गए हमारे सॉर्टेड. तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंसर्शन सॉर्ट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच.